ये क्या बन रहा है सर, क्या बना रहे हैं? डोसा जी जी, ये बड़ा बन रहा है, सांभर बना है। सांभर मुगड़ी चौराहे प्राय सीता जो है उसका कॉर्नर है, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत काफ़ी भीड़ लगी होती है। और यहाँ पर जो है दूध, यहाँ पर मसाला मिलता है, सांभर और बहुत काफ़ी मिलता है। और खास करके यहाँ पर दाम तो बाजी है, तो आज मैं ब्रह्मपुर तरफ से आपको आवत रहूँगा और यहाँ का मसाला गुस्सा खाकर बताऊँगा यहाँ का स्वाद कैसा है। ये मोमो है सर ना, इसको उबाल रहे हैं। स्टीम हो रहा है, स्टीम तैयारी कर रहा है। कुछ तैयार भी किए होंगे इसमें? हाँ, कुछ तैयार है इसमें, तैयार है। गर्म हो रहा है। भाई साहब हमेशा आते हैं आप यहाँ? आप यहाँ हमेशा आते हैं? खाने में हमेशा आते हैं? कभी कभार। कभी कभार मतलब यहाँ कैसा मसाला डोसा लगा? अच्छा लगता है। इडली उडली बढ़िया है? आपका भाई साहब दोनों आते हैं तो यहाँ मतलब यहाँ पसंद है आपको? यहाँ आते रहते हैं, उनको जानते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर आपका? गोविंद पटेल। आपका सर? हेलो डियर। अच्छा, मसाला डोसा और ये मतलब इडली जो एवन का है इनका? जो लगाए सर जो क्या चीज़ है, जो अलग डोसा है किसी का बनता है? नहीं, किसी के नीचे बनता है चावल का, चावल दाल मिक्स होता है। और ये यही चावल दाल मिक्स है ना? अभी क्या चीज़ है? चटनी है, नारियल की। नारियल मैडम। हेलो, आप कहाँ से आई हैं? मसाला डोसा यहाँ का पसंद है आपको? कहाँ से आती हैं आप लोग? तो यहाँ लतारा से यहाँ मसाला डोसा की विशेष आई, कुछ काम से आई? मार्केट से खा लेते हैं। लेकिन इनका मतलब जो है कि इनका मसाला डोसा बढ़िया है? पैकिंग भी कराते हैं, ले जाते हैं। अच्छा, आंशिक डोसा कार्नर लिखा हुआ है, यहाँ जरूर आती हैं आप? हाँ? परिवार साथ जरूर आती? हाँ, परिवार हम लोग आता है। अच्छा अच्छा, आते हैं लोग? हाँ, मैं तेरा नहीं पता।
अच्छा, तो यहाँ का जो मसाला डोसा कैसा लगता है? ठीक है, बढ़िया है। बड़वाड में यौवन है, बच्चों के साथ भी आई हैं तो भाई तुम्हारा भी तुमको भी अच्छा लगता है खाना? मोमो आप लोग बनाते हैं कि घर बनाते हैं? किसका बनता है सर ये मोमो? मोमो किस चीज़ का बनता है? पत्ता गोभी बनता है। अच्छा अच्छा उसका मसाला बना के तैयार करके बनाते हैं? मसाला बना के मैदा कर। भाई साहब आप लोग अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तो इधर आए हैं घूमने के लिए तो आप आ गए हैं। क्या नाम है आपका? बच्चों के साथ आए हैं? कौन है भाई? आप भी चेहरा दिखाइए इधर। यहाँ जो आप खा रहे हैं जो है मतलब कि व्यंजन, तो मतलब कि कैसा लग रहा है सवाल? एवन का है? भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मतलब घर कहाँ है आपका? क्या नाम है आपका? किसका? आपका दुर्गेश नाम है। दुर्गेश नाम है। तो यहाँ का जो स्वाद कैसा है आपको मसाला डोसा का? बहुत बढ़िया है। हमेशा आते हैं? हाँ हमेशा आते हैं, दूसरे दिन। अच्छा अच्छा, मतलब रहने वाले के लिए यहाँ का स्वाद बहुत बढ़िया है? हाँ बढ़िया है, बेस्ट है एकदम। और वाजिब दाम भी? वाजिब दाम भी बढ़िया है। और आपको कैसा लगा यहाँ का? अपना नाम बताइए भाई साहब, अपना नाम बताइए। कुमार। कहाँ के रहने वाले? मनवाड़ी। ये दुकान कब से खोले हैं आप? 2010। तो आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं इसमें? ठीक है, लॉकडाउन के बाद भी आपका सही है? तो यहाँ पर जो आप मतलब सामान देते हैं आप मतलब कि ग्राहक जो है कि सेटिस्फाई होते हैं और दाम भी वाजिब रखते हैं आप लोग हैं? अच्छा, तो बाकी आपके वो भाई साहब है क्या? है वो कौन है? भाई हमारा छोटा। क्या नाम है आपका? आनंद। क्या नाम है सर? आनंद। आनंद। ये जो घी डाल रहे हैं रिफाइन है कि देसी है बताइए? रिफाइन है। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये जो है प्याज मटर टमाटर डालते हैं आप लोग? हाँ ये मसाला है। हाँ कितने देर तक इसको मतलब बनाते हैं आप लोग? 10 मिनट 5 मिनट? अच्छा अच्छा, मतलब पहले से बनकर तैयार होता है? स्पेशल स्पेशल डोसा में जो है कि आप लोग पनीर सब डालते हैं? पनीर डालते हैं, काजू किशमिश काजू सब डालते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक है। यहाँ पर
क्या संबंध है, कैसे आए हैं? आप मोमोज बेचते हैं? इनके भाई हैं? भाई क्या नाम बताए थे आप? लेकिन यहाँ पर व्यंजन आपका लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे लोग बहुत एक मसाला डोसा आप देखकर आप दे दीजिए हमको, देखिए कि आपका स्वाद कैसा है। ये मसाला जो है आपका तैयार हो रहा है। आप क्या क्या बना हुआ है, इसको क्या क्या मिला है? ये आलू है और ये तुरंत तैयार होता है, डोसा तैयार है। डोसे का मसाला है, ये डोसे का मसाला है केसार, इसको आलू कहते हैं। ये तुरंत गरम गरम आलू बनता है, डोसा बनता रहता है यहाँ पर। ये क्या दे रहे हैं सर? नारियल की चटनी दे रहे हैं। अभी क्या है? सांभर है। सांभर है यंस का जो है डोसा कहाँ पर मैं आया हूँ, इसका मसाला डोसा जो है सामने है आपके सामने। और साथ साथ जो है कि यहाँ पर आप देखें चम्मच मिला है, काटेदार चम्मच है और एक स्पून चम्मच है आपके सामने। और ये आपको सांभर है और ये नारियल की चटनी। और मैं आज ये आपको मसाला डोसा खा के बताऊँगा कि इनका स्वाद कैसा है, और जैसा ही बोल रहे हैं उसका मतलब है कि नहीं, और चित्र पर स्वाद लेकर भी मुझे बताऊँगा। और जंक फूड की तरफ से जो आज मैं यहाँ फॉरवर्ड हंस का डोसा खाने पर आया हूँ, आपसे मैं इस बात का आग्रह करूँगा। ये मसाला डोसा है छठे का, ये सामान है, ये खासकर दाल का बनाया जाता है। इसमें लौकी भी पड़ी होती है और लेकिन बहुत तीखा है, जो बना हुआ है तीखा है, लेकिन सही है। बेस्ट मतलब इतना तीखा भी नहीं खा सके मैं, लेकिन मतलब बहुत अच्छा। और जो है कि नारियल की चटनी है, इसमें राई पड़ा हुआ है और इसमें जो है कड़ी पत्ता भी डाला जाता है, लेकिन ये भी खाने में बहुत ही स्वाद है। मैं बहुत जगह भोजन किया हूँ, ये बहुत अच्छी मतलब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, यहाँ का बना हुआ चीज़ है बहुत अच्छा लग रहा है। और मसाला डोसा जो है इनका खासतौर से ये बहुत बढ़िया है, यहाँ आप देख रहे हैं ये मसाला डोसा इनका बहुत बढ़िया है। और इसमें भी मतलब कि स्पेशल मसाला डोसा में खासतौर से ये लोग डालते हैं काजू डाल देंगे, किशमिश डालेंगे और पनीर डालेंगे, उसका रेट ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी खाने में काफ़ी बेस्ट है और बहुत बढ़िया है इनका। और अभी हम खा कर बताते हैं इस पर सवाल। मटर है, आलू है, पनीर है, किशमिश है, सब पड़ा हुआ है, मसाला डोसा है, बहुत बढ़िया खाने में बहुत ही स्वाद दे रहा है। आप लोग सुन में आते हैं एक बार जो यहाँ पर आकर हंसी का डोसा खाने में आकर यहाँ जरूर आप स्वाद ग्रहण करिए। हमको आशा है कि आप यहाँ पर आकर बहुत पसंद होंगे, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक बार जरूर आइए हंसी का डोसा खाने पर, ये बड़बड़ चढ़ाए पर है और इस तरह से यहाँ पर दाम बहुत वाजिब है, दाम उतना ज़्यादा नहीं है, आम मतलब रेस्टोरेंट से बढ़ रहा है यहाँ पर इसका दाम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब कि स्पेशल डोसा में लोग पनीर भी डालते हैं और जो है कि किशमिश है, किशमिश है, ये पनीर है, खास तौर से काजू भी डालते हैं।
थोड़ा रेट उसका ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बनाते हैं लोग हैं। और पनीर का स्वाद और खिचड़ी का स्वाद और प्लस काजू का स्वाद बहुत ही मिल के बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। खास साहब यहाँ पर देख रहे हैं स्पेशल डोसा में खासकर उसके यहाँ पर जो है कि पनीर भी डालते हैं, किशमिश भी डालते हैं और ये काजू भी डालते हैं। स्पेशल थोड़ा दाम इसका ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। आज जो है कि आप खुद देख रहे हैं कि पनीर पड़ा हुआ है, किशमिश पड़ा हुआ है और जो है कि काजू पड़ा हुआ है और इसका स्वाद जो है कि भूसा भूसा के साथ बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये जो है कि अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया है। खासतौर से इसकी चटनी हमको बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर एक बार जरूर सिखा रहे हैं, उसका कारण भाई भगवान चलाया था, शिव जी की मंदिर है उसी के बगल से, तो पुणे में काफ़ी भीड़ भी लगा होता है यहाँ पर। और आज एक बार जरूर यहाँ पर ट्राई करिए और हमको आशा है कि आप यहाँ पर आकर प्रशिक्षित होंगे और इसके स्वाद से बहुत आपको मतलब गर्वित महसूस करेंगे। एक बार जरूर यहाँ पर आइए, एक बार यहाँ पर जरूर आइए और जो है कि आप जरूर उनका पसंद होंगे यहाँ पर, एक बार जरूर आइए यहाँ पर। स्वाद हो चुका है, एक बार जरूर आइए। और यह का मसाला डोसा जो है बहुत ही टेस्टी और आगे बढ़ा, इनका मसाला डोसा जो है बहुत टेस्टी और लाजवाब है। काजू भी है और इसमें जो है पनीर भी पड़ा हुआ है, इससे इसका स्वाद और बढ़ा देता है। पर मैं आशा करूँगा कि एक बार जरूर आएगी। इसका दाम भी बहुत अन रेस्टोरेंट से बहुत सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। लाजवाब अति बेस्ट और कितना पर जुड़ा आई है, बहुत ही अच्छा लाजवाब बना हुआ है।